लॉकडाउन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम में अब जनता की समस्याएं आनी कम हो गई हैं, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके फ़ोन ज़्यादा आ रहे हैं। फ़ोन आने के बाद उनको राशन पहुंचा दिया जा रहा है और कम्युनिटी किचन द्वारा 17 से 18 हज़ार लंच पैकेट प्रतिदिन वितरित किया जाता है। दूध और दवा के लिए बहुत ही कम फ़ोन आते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, पार्टनर कहाँ गए आपके? हाँ, 87 07 अगला उत्तरीय सरिता यादव नंबर सौभाग्य 95 98। तो 225 के आसपास कॉल आती है जिसमें ड्राई राशन की मांग आती है ऐसे लोगों के द्वारा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन से राशन पहुंचा दिया जा रहा है और फूड पैकेट्स वगैरह 17-18 हज़ार से ऊपर वितरित किए जा रहे हैं। कुछ पास की कंप्लेंट आती है कि पास जारी नहीं हो रहे, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो जो जेन्युइन नहीं है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, बाकी आवश्यक लोगों को पास ई पास जारी किया जा रहा है। दूध और दवाओं को लेकर क्या कैसे किसके संबंध में सर? दूध और दवाओं के लिए दवाओं के लिए बहुत कम काल है, दूध की तो ऑलमोस्ट नील है और सब्जी की 7-8 कंप्लेंट आती हैं। 1,000-1,200 ठेले लगातार 24 घंटे सब्जी सप्लाई कर रहे हैं, दूध वाले भी डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस संबंध में शिकायतें राशन की, किराना इराना के संबंध में शिकायतें नील के बराबर हैं।